नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। नाश्ते में वैरायटी खाना सभी को पसंद है, पर लॉकडाउन के कारण से हम ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आज मैं आपको घर के सामान सूजी से ही एक ऐसा नाश्ता बनाना बताऊंगी जो कि झटपट बन के तैयार हो जाता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और साथ ही खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो है सूजी की बॉल्स। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सूजी की बॉल्स। सूजी की बॉल बनाने के लिए हमने कढ़ाई ली है और उसमें सबसे पहले हम एक टेबल स्पून तेल डाल देते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें सबसे पहले हम 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं। 2 हरी मिर्ची को हमने छोटा छोटा काट लिया ऐसे, ये भी इसमें डाल देते हैं। इनको थोड़ा पका लेंगे इसमें, इससे इसका तीखापन थोड़ा कम हो जाएगा और पकी हुई मिर्चियाँ खाने में भी टेस्टी लगती है। 1/2 इंच अदरक हमने लिया था, उसको साफ धो के छोटा छोटा काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। 7-8 हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, ये सूखे हुए कड़ी पत्ते हैं, तो इसको हमें इस तरह से पीस के डालेंगे हाथ में इस तरह से। इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है और टेस्ट भी खाने में अच्छा लगता है। यदि आपके पास सूखे कड़ी पत्ते नहीं हो तो आप गीले कपड़े कड़ी पत्ते लें और उसको भी काट के डालें इसमें, जिससे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। हमने लॉकडाउन के कारण से कड़ी पत्तों को सुखा दिया था, इसीलिए काफ़ी लंबे चल जाते हैं। अभी इसमें हम 1.5 कप पानी डाल देते हैं। अभी इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। इसी के साथ हमने 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं। आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं पानी का उबाल आ गया है, इसके अंदर हम 1 कप सूजी डाल देते हैं। ये वही सूजी है जो आप उपमा वगैरह बना करके तैयार करते हैं। ये ज़रूर नहीं आपको पतली सूजी लेना, जो आप घर में सूजी आपके पास हो उसी से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सूजी और पानी का जो रेशियो है जो हमने बताया है उस हिसाब से आपको रखना है। जिस कप से आपने सूजी ली है उसी कप के नाप से उसका 1.5 गुना पानी आपको लेना है। ये सूजी हमारी पक गई है और गैस को बंद कर देते हैं। अभी इसको हम ढक्कन लगा करके रख देंगे और हल्का ठंडा करेंगे इसको। अभी सूजी को हमने एक परात में निकाल दिया है और ये अभी तक थोड़ा गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म हो उस समय इसमें हाथ नहीं डाले, पर हल्का गर्म हो उस समय इसको गूंदना ज़रूरी है। ज़्यादा ठंडा करेंगे गूंदने के तो वो अच्छी नहीं बनेगी बॉल्स, इसलिए इसको हल्का गर्म में आप इसको इस तरह से गूंद लें इसको। इस तरह से मसल मसल के इसको एक करने का अच्छे से। ये आटा के डो की तरह हो जाएगा पूरा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं पूरा डो की तरह इकट्ठा हो गया है पूरा ही। इसमें लोच आ जाता है, ज़्यादा मसलने से इसके अंदर लोच आ गया है, देखिए तो पूरा इकट्ठा हो गया एकदम से। ये पूरा आटे की तरह एकदम से बन के तैयार हो गया, देखिए। अभी इसके हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। ज़्यादा बड़ी बॉल नहीं बनाना इसको, इसको थोड़ा सा हाथ में लेने कैसे और आराम से इसकी बॉल बन जाती है। ज़्यादा अच्छे से गूंद लेते हैं तो फिर इसकी बॉल भी अच्छे से बन जाती है, देखिए। एक और बॉल बना के दिखाती हूँ आपको, छोटा सा लोई लेने का और इसको अच्छे से ऐसे मसल लेने का हाथ में और फिर इसका गोल गोल ऐसे बॉल बना लेने। गोल गोल इस तरह से घुमा करके बॉल बना सकते, इजीली बन जाती है। इसको अच्छे से गूंद लेते हैं ना तो फिर इसका बॉल बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, देखिए कितनी सुंदर बॉल बन गई। ये हमने सभी सूजी की बॉल्स को बना करके तैयार कर लिया है। आप देख रहे हैं कि दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। हमारे रेशियो में लगभग ये 33 बॉल बन के तैयार हुई है और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। आप देख पा रहे हैं बॉल, देखिए पटकते हैं तो एकदम से बाउंस कर रही है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट बॉल बन के तैयार हुई है। इन बॉलों को स्टीम करने के लिए हमने एक स्टीमर लिया है जिसके अंदर हम लगभग 1/2 लीटर पानी डाल देंगे।
और गैस चालू कर देंगे। यदि आपके पास स्टीमर नहीं हो तो आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। कढ़ाई के अंदर जो भी आपके पास छलनी हो, देखिए आप इस तरह की कोई छलनी हो जिसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, वैसी छलनी लेकर के नीचे रिंग लगा दें, उसके ऊपर ये छलनी रख दें। छलनी के ऊपर ये बॉल्स रख के जमा करके आप इसे पका सकते हैं। इस छलनी को आप भगोने के अंदर रख करके भी इस तरह से पका सकते हैं। अब ये स्टीमर का जाली वाला पार्ट हम इसके ऊपर रख देते हैं और इसे थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर देते हैं। हल्का सा ग्रीस कर देंगे जिससे कि बॉल चिपकेगी नहीं। अभी इन बॉल्स को हम इसके अंदर अच्छे से जमा देते हैं और जो बॉल्स पीछे बच गई है वो भी इनके ऊपर ही रख देते हैं जिससे कि एक ही साथ सारी बॉल्स पक जाएगी। अभी इनके ऊपर ढक्कन लगा के हम 15 से 20 मिनट तक इनको पकाएंगे। अभी हमारे सूजी की बॉल्स को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। एक बार इनको खोल के देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इनका कलर चेंज हो गया है, ये ट्रांसपेरेंट दिखने लग गई है। अभी हमारे सूजी की बॉल्स अच्छे से पक गई है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारे सूजी की बॉल्स ठंडी हो रही है तब तक हम इसके चौक की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून इसमें तेल डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें सबसे पहले हम 1 चम्मच राई डाल देते हैं। राई दे के डालते ही फटने लग गई है राई। अभी इसमें भी 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। इसी के साथ हम 1 चम्मच इसमें 1 टेबल स्पून जितना हम तिल डाल देते हैं। तिल का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। आँच को थोड़ा धीरे कर देते हैं। अभी हमने 8-10 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये सूखे कड़ी पत्ते हैं, ये इसमें डाल देते हैं। आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ते हो तो वो भी डाल सकते हैं। अभी हम 2 टेबल स्पून जितना इसमें नारियल का चूरा डाल देते हैं। ये सूखा नारियल का चूरा है, आप चाहे तो फ्रेश नारियल का चूरा भी इसमें डाल सकते हैं। इनकी खुशबू अभी बहुत ही अच्छी आने लग गई है। अभी इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना सांभर मसाला डाल देते हैं। आपके पास सांभर मसाला नहीं हो तो आप दूसरा मसाला, गोड़ा मसाला हो या पाव भाजी मसाला हो, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे सारे मसाले अच्छे से पक जाए। आँच को हम धीरे कर देते हैं। अभी इसमें हम 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं। हींग को भी इसी के साथ हम पका लेते हैं। सभी मसाले पक गए हैं। अभी इसमें हम 2 लाल मिर्ची लिए, सूखी लाल मिर्ची है, इसको भी इसमें डाल देते हैं और इसी के साथ हम पका लेते हैं। और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें, इसे मसाले तो मिर्ची अच्छे से पक जाएगी। आँच को इस समय आप धीरे ही रखें और धीरे आँच में ये मसाला पकाएं। आपको यदि हल्का मीठा टेस्ट पसंद हो तो आप इसमें टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, नहीं तो शक्कर भी डाल सकते हैं। अभी ये जो बॉल्स हैं ठंडी हो गई है, अभी वो भी इसमें डाल देते हैं। सभी बॉल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं बॉल्स का कलर कितना अच्छा आ रहा है। सब मसाले इसके ऊपर अच्छे से लग जाएंगे तो बॉल खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। सब मसाले इस बॉल्स के ऊपर लग गए हैं। अभी 2 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन लगा करके रख देते हैं जिससे भाप में अच्छे से और भी अच्छे पक जाएंगे और मसाले अंदर तक अच्छे पहुँच जाएंगे। ये 2 मिनट के लिए हम रखेंगे इसको। अब ढक्कन लगाए हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं, इसको खोल के देख लेते हैं। सभी बॉल्स के ऊपर मसाला अच्छे से लग गए हैं और दिखने में भी बॉल देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बॉल कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई, देखिए स्पॉन्ज की तरह सॉफ्ट एकदम। अभी लास्ट में इसे हम धनिया से गार्निश कर देते हैं। इस बॉल्स को आप नारियल की चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ या धनिया की चटनी के साथ भी खाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं।
इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए YouTube पर पापा मम्मी किचन को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।